अमिन शैतानी मेरे प्यारे बहन और भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बसानी आपको मिल सके आज जो मैं आपको अमल बताऊँगी आज कल बहुत से ऐसे बहन भाई हैं बहुत से ऐसे रिश्ते हैं ऐसी मोहब्बतें हैं जो इंसान की छोटी छुट छोटी बातों से वो दूर होने लगी क्योंकि शतान का गलबा ज़्यादा होने लगा और आपसी मोहब्बतें ख़त्म होने लगी और रिश्तों में बहुत से ऐसे तफरकात और नफ़रतें जन्म लेने लगी तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर भी इस किस्म के मसाइल ना हों ना आपके घर में लड़ाई हो झगड़ा हो या कोई ऐसी चीज़ें जैसे मियाँ बीवी का मसला या आपसी रिश्तों की प्रॉब्लम या फिर अपना कोई प्यारा आपसे रूट कर जा चुका है अपना प्यारा आपसे दूर है सिर्फ ये वजीफा और अमल आप करें इन आपका जो प्यारा है वो आपसे खुद रबता करे और इन इतनी मोहब्बत पैदा हो कि मरते दम तक आपकी मोहब्बत दायम रहे और कभी आप अपने प्यारों से ना दूर हों और ना ही आपसे वो दूर हों और आपसी मोहब्बत हमेशा बुलंद रहे जो आज मैं सूर्य मुबारक का आपको बताने लगी हूँ अमल और वजीफा जिस तरह मैं बताऊँ आप उसी तरह करें फ़र्ज़ करें कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नाचाकी है घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई है झगड़ा है तो आपने क्या करना है कि आपस आप दो लोगों को मिलाने के लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है आपसी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है नमाज फजर से आप जब फारिक हों तो आपने एक गुलाब का फूल लेना है और उस पर सुरह कुरेश कुरानी पाक में आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह मैं चला दूंगी आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं लिख सकते हैं सिर्फ़ 21 मरतबा आपने दम करना है नाम के साथ आप दम करें जैसा कि आपने जिसके लिए आप मतलब के दम कर रहे हैं उसका नाम आपको पता होना चाहिए बस और अपना नाम आपको पता होना चाहिए फला ठीक है साथ में आप अपनी वालदा का नाम लगाएंगे बिन फला लड़की है तो बिनते और लड़का है तो बिन उसके बाद अलाखब उसके बाद जिसके लिए आप अमल करें उसका नाम अगर उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो सिर्फ उसी का नाम लेंगे दिलों के भेद अल्लाह पाक जानते हैं ये फूल की जो खुशबू है आप जिस भाई या बहन के लिए कर रहे हैं ये खुशबू अगर वो फूल ही आप गिफ्ट कर देते हैं या वो बेशक अगर वो ताज़ा फूल नहीं है तो कोई मतलब कि गिफ्ट में है तो आप किसी गिफ्ट पे भी करके आप दे सकते हैं कोई खुशबू पे भी आप दम कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें खुशबू भी गुलाब की हो अगर कोई आप तोहफा देते हैं आपसी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए रिश्तों में तो फिर खुशबू भी आप गुलाब की लें कोई अच्छी वाली खुशबू लें जिसमें अल्कोहल इस्तेमाल जैसे ही वो उस खुशबू को महसूस करेंगे बफजल अल्लाह ताला के तमिल्ह इतनी मोहब्बत पैदा होगी कि आपकी सोच है सिर्फ इक्कीस मरतबा अल्लाह के कलाम रबी जो है तो वो पढ़ लें तो ये छोटी सी सूरत है ठीक है ली इलाफिल क्रेष ठीक है छोटी सी ये सूरत है कुरान पाक में तो ये आपने पढ़नी है आपसी मोहब्बत कहीं पर भी आपको लगे ये कभी अगर घर की फैमिली मैंबर सब नाराज़ हैं तो आप एक फूल गुलाब का लाएं दो लाएं तीन लाएं आप किसी भी पढ़ कर किसी भी गुलदान में लगाकर तो टेबल पे रख सकते हैं आपसी मोहब्बत बढ़ेगी जितनी खुशबू फैलेगी आप देखिएगा अब आपने देखें ये गुलाब के फूलों की, की खुशबू है आप मोती के फूल ले सकते हैं क्योंकि उसकी खुशबू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नायाब है आप अगर मतलब कि खुद लगा सकते हैं तो मोती की जो है जो अतर होता है वो ले लें उसके ऊपर पढ़ाई करें तो खुद लगा तो आपसे मोहब्बत इतनी ज़्यादा बेकरार हो कि आपके जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसके लिए आपने नाम लिया है आखिर में तो उसी के साथ आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी सोच है लड़ाई झगड़ा हर किस्म की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी ये हस्बैंड वाइफ के लिए यानी कोई भाई है अपनी वाइफ के लिए करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और अगर इजाज़त ज़रूर लिया करें ताकि इस्तारा भी हो और आपकी मदद भी हो इसी के साथ इजाजत दें अपना ख्याल रखिएगा अगर कोई भी मसला कोई भी परेशानी है कोई दुख तकलीफ है तो अपनी इस बहन को याद करें इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी जजाकल्ल खैर